तो भाई लोग कैसे हो यार, मैं फिर से एक बड़ा ये कुछ नया वीडियो लेकर यार। तो दोस्तों आज एक्चुअली मैं इधर में आ गया, यानी मोल्डिंग यानी जो कंगी बीट होता है लकड़ी का, दोस्तों वो लकड़ी का बीट आप लोग को दिखाने के लिए इधर में आ गया हूँ। मैंने तो इस तरह से कुछ मिल दिखता है दोस्तों, इधर से एक मिल है, 100 मिल है दोस्तों, और उधर में एकदम मोल्डिंग का फैक्ट्री यानी दोस्तों मिल है यहाँ पे, तो मोल्डिंग का बीट बनता है यहाँ पे। तो मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगा बीट सब कैसे मिल बनता है। तो ये टिक लकड़ी है, टिक लकड़ी से मोल्डिंग का बीट वगैरह बनता है। तो ये सब आप लोग को दिख रहा होगा, ये सब बीट है एक्चुअल में दोस्तों, टिक लकड़ी का बीट है ये सब आप लोग को दिख रहा होगा। इसको मोल्डिंग का बीट बोला जाता है दोस्तों, ये फर्नीचर में ज़्यादा से यूज़ होता है दोस्तों, और हम लोग का दुकान में भी है दोस्तों। आप लोग इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने एक बनाया हुआ है, मतलब उसका प्राइस रिवील किया है दोस्तों। तो आज मैं इधर में फैक्ट्री में आ गया आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसा बनता है ये बीट। तो वही चीज़ आप लोग को दिखाने के लिए आ गया दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये बीट कैसा बनता है, वही चीज़ आप लोग को मैं दिखाने के लिए आज आ गया हूँ। कैसा बनता है, कैसा मैन्युफैक्चर होता है, एड टू जेड पूरा आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। आप लोग को सामने इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि सामने में दोस्तों काम चल रहा है, तो वही वजह सामने इतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो कालपुर से आप लोग को दिखाया था इस मेल का मैन्युफैक्चर कैसा होता है। तो ये टिक लकड़ी है, ये सब आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये टिक लकड़ी इधर से इधर आएगा, मतलब कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा यार, वीडियो में बने रहना यार। तो भाई लोग ये जो लकड़ी है, लकड़ी से बनेगा हम लोग का बीट वगैरह। लकड़ी ये लकड़ी यहाँ से ये ना आएगा यहाँ से। काटने के बाद दोस्तों ये छोटा छोटा पीस में आ जाता है, ये बीट बनने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये अभी एक समय मशीन में जाके बीट बन के तैयार हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसा बनता है इस तरफ से आके। तो ये वाला मशीन है दोस्तों जो बीट बनता है इसमें, तो इसमें घुसाया जाता है, उस तरफ से निकलता है डिज़ाइन होकर, ये वाला जो बीट है इसमें निकल जाता है इसमें। क्या चीज़ है ये? ये वाला? हाँ ये वाला बेलेट बोलता है, वो माल काटने के लिए, माल काटने के लिए। अच्छा, तो कौन सा वाला माल काटते हैं, ये वाला ना भरा वाला ना कैसे? छोटा वाला। वो छोटा वाला? हाँ। अच्छा, मतलब वो जो बीट है वो मतलब इधर से बन के इधर काट के इधर में आता है, इधर आता है, इधर से फिर इधर चला जाता, इधर चला जाता है, इधर से फाइनल निकलता है। अच्छा, इधर से मतलब फाइनल निकल जाता है इधर से ना। अच्छा, ऐसे एक पीस थोड़ा चालू करके दिखाई ना, हाँ एक पीस ऐसे ना सिंपल दिखाने के लिए ना। तो दोस्तों अभी आप लोग को दिखाएंगे चालू करके कैसा डिज़ाइन निकलता है इसका। ये 2 इंच का ना, ये 2 इंच का। ये जितने में डिजाइन आता है सिर्फ एक ही मशीन में बन जाता है ना? हाँ, एक ही मशीन में बनता है, लेकिन उसका ब्लेड अलग अलग, ब्लेड अलग अलग होता है। इस तरफ से होता है कुछ दोस्तों, ये देखे जा रहे। तो वह लोग अभी देखेंगे इधर में साइजिंग कैसे होता है। तो ये जो बीट है ये इधर में आएगा, इधर में आने के बाद दोस्तों इधर से साइजिंग हो जाएगा इधर में। तो अभी मतलब काम नहीं चल रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें रख के दोस्तों साइजिंग वगैरह करते हैं। तो इसमें देख सकते हो बहुत सारा इसमें बीट है दोस्तों, इसको मोल्डिंग का बीट बोला जाता है, डिज़ाइन बीट भी बोला जाता है। इसमें अलग अलग वैरायटी का बहुत सारा बीट है दोस्तों। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो बीट आप लोग को देखा होगा ये इसमें जो वो हाँ में था वो वाला है।
और ये वाला बीट भी दोस्तों एक ही मशीन से सब बन जाता है दोस्तों, जो एक ही मशीन आता है ना दोस्तों उसमें सब वैरायटी का ये बीट वगैरह बन जाता है। आप लोग इसमें देख रहे हो ये हाफ राउंड बीट है ये, तो भाई लोग यार इधर में भी ये दोस्तों लकड़ी वगैरह काटा जाता है दोस्तों, आप लोग को देख रहा होगा दोस्तों बड़ा बड़ा कुंदा वगैरह काटा जाता है इस तरफ से, इस तरह आके इधर आके ठीक हो। और वहाँ तो भाई लोग यहाँ पे इतना बड़ा मशीन लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से बड़ा बड़ा लकड़ी को काटा जाता है यहाँ से। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा दोस्तों, इधर से आके इधर में रहता है, इधर से आके इधर बीट सब डिज़ाइन में निकल जाता है यार। थोड़ा सामने से जाके भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा यार कैसा दिखता है यार। तो जो आप लोग ने पिछली वीडियो जो देखा दोस्तों वो मील अलग है, और ये मील जो है ये मील भी अलग है दोस्तों। आप लोगों को साउंड इतना अच्छा से नहीं आ रहा होगा, तो इसमें बहुत बड़ा मील है दोस्तों, आप लोग इसमें देख रहा होगा इसमें बहुत सारा बड़ा है। तो बहुत दिन हो गया दोस्तों कुछ अलग वीडियो नहीं बनाया आप लोग के लिए, तो उम्मीद आ गया मैंने सोचा कि थोड़ा अलग वीडियो बनाई जाए जिससे आप लोग पता चले यार एड हो जाए पूरा। तो इस बार आप लोग को इतना नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग ने पिछली वीडियो में देख लिया दोस्तों कैसे काटा जाता है ये बड़ा बड़ा कुंता वगैरह का दोस्तों। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आप लोग को इसी तरह से कुछ जानकारी चाहिए यानी कैसे मैंने पिक्चर होता है क्या क्या वगैरह है दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो यारों।